नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के पेपर के बारे में। हम समझेंगे कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है 2019 में, उनमें क्या अंतर आया है, क्या बदलाव हुआ है, किस सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ गए हैं, किसके घट गए हैं, कितना टाइम घटा है, इसके अलावा हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही एसएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो हम आपको दिखाएंगे, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि पैटर्न कैसा रहता है और आप किस तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करके एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथी, ये है हमारे सामने इंडिकेटिव पैटर्न जो 2017 का था। कब का था? 2017 का। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए थे, 25 आए थे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के यानी मैथ के, 50 थे जनरल इंग्लिश के और 50 थे जनरल अवेयरनेस के। 2 घंटे का समय आपको दिया गया था और पीएच कैंडिडेट को मिले था 2 घंटे 40 मिनट का। तो 2 घंटे में आपको सॉल्व करने थे 150 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 25 क्वेश्चन थे मैथ के। 50-50 क्वेश्चन इनके थे, टोटल 150 क्वेश्चन थे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। साथ ही जो सेकेंड पेपर है, जो इस बार भी है, वो भी 50 अंकों का था, 30 मिनट का, और पीएच कैंडिडेट के लिए समय था 45 मिनट का। इसमें आपको 128 लिखना था और लेटर लिखना था। तो ये पेपर सेकंड है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इस बार भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है, वो पहले 150 अंकों का आता था, अब वो हो गया है 100 अंकों का, समय भी बदला हुआ है। ये देखिए, इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपका एग्जाम होगा 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, पहले कितने थे 50, पहले कितने थे आप देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन थे और तीसरा पार्ट जो था वो इंग्लिश का था, लेकिन अब की बार इंग्लिश को पहले ही रख दिया गया है और ये होगी 25 अंकों की। 25 अंकों की रीजनिंग होगी जो पहले नंबर पर थी, अब वो सेकंड पार्ट में आएगी। थर्ड पार्ट में आप आएगा मैथ, थर्ड पार्ट में मैथ आएगा जो कि पहले आता था सेकंड में। तो रीजनिंग मैथ पहले और सेकंड सेक्शन में आते थे, अब की बार उनको डाउनग्रेड कर दिया गया, वो कर दिए गए सेकंड और थर्ड में। वही जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 अंकों की हो गई है। तो 25-25 क्वेश्चन इनके घटा दिए गए हैं इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के, और समय घटा दिया गया है 30 मिनट का, यानी आपको अब 90 मिनट में ये सॉल्व करना है पूरा पेपर, और जो पीएच कैंडिडेट है उनको समय मिलेगा 120 मिनट का। अब हमारी समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या हमारी यहाँ शुरू होती है कि जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता था, क्योंकि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस गो नो गो बेसिस वाले होते हैं, आता है कर दिया, नहीं आता है नहीं करा, उसमें हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को, जो हमारे सामने है वही इसका इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसका हमें 30 मिनट अतिरिक्त समय जो मिलता था 50 क्वेश्चन के लिए, उसमें से भी हमारा समय कुछ बच जाता था जिसको हम यूज कर लेते थे जनरल इंटेलिजेंस में और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। तो हमारे मैथ और रीजनिंग में हम उसका सदुपयोग करते थे, जो 30 मिनट थी उसमें से हमारे लगभग 20 मिनट में दोनों सेक्शन हम कर लेते थे। 10 मिनट में आराम से हम फेल करके, यानी 10-10-20 मिनट में हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हम कर लेते थे, और बाकी का जो 10 मिनट का समय हमें मिलता था वो हम यूज कर लेते थे मैथ और रीजनिंग में, जो अब की बार नहीं मिलने वाला है। तो अब की बार हमें 90 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करने हैं, और 30 मिनट जो घटी हैं उनमें कहीं ना कहीं जो 4-5 मिनट हमें अतिरिक्त मिल जाते थे कम से कम, वो अब हमें नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ टफ मामला है। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 आएंगे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के, 25 आएंगे जनरल अवेयरनेस के। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इस बार भी है, साथ ही ये होगा कंप्यूटर बेस्ड। तो कंप्यूटर बेस्ड में थोड़ा सा और मामला थोड़ा सा टफ हो जाता है। बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, तो ये रहने वाला है 30 मिनट का और 50 नंबर का ही आएगा, इसमें एक शॉर्ट ऐसे आएगा और एक आएगा लेटर, और ये पैटर्न जो है वो पिछली साल वाला ही रहने वाला है, 2017 वाला रहने वाला है। लेकिन बदलाव हुआ है, वो हुआ है पेपर फर्स्ट में, यहाँ 150 के बजाय 100 क्वेश्चन हो गए और ये हो गया ऑनलाइन, साथ ही इसमें 90 मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं इसका 2017 का पेपर, क्योंकि उसमें इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन रहे, तो आप ये समझ लेना कि अब की बार उनके क्वेश्चन कितने आएंगे 25-25, तो अब की बार चारों के 25-25 आने वाले हैं। अब देख लेते हैं पेपर को, तो पेपर में पहले पार्ट था रीजनिंग का पिछली बार, अब की बार इंग्लिश आएगी। तो रीजनिंग अगर हम देखें तो इसमें पहला है दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, वेंचर है जैसे, तो उसमें डेट नहीं बनेगा, तो इस तरीके का आएगा। इसके अलावा जो चिन्ह बदलने वाले प्रश्न होते हैं वो भी इसमें आते हैं, साथ ही दिशा के प्रश्न भी आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और वो बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, इस तरीके के प्रश्न इसमें
आते हैं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है क्योंकि टेंथ लेवल का है। इसके अलावा इसमें नॉन ओवरऑल भी आई है कि आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पैटर्न का भी प्रश्न आता है जैसे ए सी ई जी आई के इस तरीके से, और 2, 5, 10, 17, 26 ये जो प्रश्न हैं। इसके अलावा विकल्प में से लुप्त संख्या वाले प्रश्न भी आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। और पेपर एसएससी का जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं आता है, लगभग समान ही रहता है। तो इसमें से लुप्त संख्या आपको बतानी है, ये जो पैटर्न है क्यूब स्क्वायर वाला, जैसे 8 का क्यूब 612 और 9 का क्यूब 729 इस तरीके का, और ये जो बीच में नंबर छोड़ के ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ए डी बी ई इस तरीके का, ये जो है ये प्रश्न आपके आएंगे। जनरल इटालिया जो होती है से लेखक संबंधित है, पेन से तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा, ये प्रश्न भी इसमें आते हैं। बात कर लेते हैं हम बाकी जो हैं, तो उसमें जैसे पोलाइट एटीलोप तो ये किससे संबंधित होगा, साथ ही नॉन वर्बल आकृति संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसके अलावा वक्तव्य और निष्कर्ष के प्रश्न भी इसमें आते हैं जो बजा टफनी होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, राहुल एक व्यक्ति है, तो राहुल गधा नहीं है, सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, इस तरीके के इसमें आ रहे हैं। साथ ही ये मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आते हैं, तो आप ये देख लीजिए। साथ ही ये जो हमने बताया था कि 9 × 6 × 2 = 269, 8 × 6 × 5 = 568 ये जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आएगा। साथ ही इसमें से कौन सा विषम है अक्षर या शब्द जो इसमें फिल्ट नहीं हो रहा है, ऑड नंबर लेटर्स वर्ड्स, उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें आते हैं। बात कर लेते हैं हम आगे, तो इसमें जो इससे भिन्न है वो आपको पहचानना है, और ये भी रीजनिंग के बेसिक सवाल होते हैं जिनमें एक फिक्स पैटर्न होता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न भी इसमें आते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे किसी को इस तरीके से कोडेड किया जाता है तो क्लेम को किस तरीके से कोड किया जाएगा। आरेख के बीच जो संबंध यानी डायग्राम होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, उसके प्रश्न भी इसमें आते हैं, जैसे फल आम केला तो आप उनको कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसका ये सही होगा क्योंकि ये फल हैं, फल में ही आम और केला दोनों आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन फिगर से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, और कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है, तो मीनिंगफुल ऑर्डर वाले प्रश्न भी इसमें आते हैं। इसके अलावा ये जो है ये मैट्रिक्स वाले, ये एसएससी का मास्टर पॉइंट होता है और ये हर एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये ना आता हो। ए से संबंधित प्रश्न आते हैं कि पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगुनी है, उसके बाद आपको बतानी है पिता की आयु कितनी है, तो ये प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल वो इसमें आते हैं। तो रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है अगर आप एसएससी की सीजीएल या फिर 10+2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होती है, क्योंकि इंग्लिश और जीके तो आप याद कर सकते हैं लेकिन मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस से ही आती है। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। ये जो आएगा ये आएगा आपका थर्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट होगा? आपका थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में आपके आएंगे मैथ के 25 क्वेश्चन। इसमें जो सवाल आएंगे उस प्रकार के आएंगे, जैसे हमारा पहला सवाल है आप देख लीजिए, ये है किसी कारोबार में 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, कोई 2 महीने के लिए करता है, कोई 1 महीने के लिए, तो कितना लाभ होगा, तो लाभ और हानि क्या आएंगे। इसके अलावा कोट का लागत मूल्य कितना है, एक कोट का सेलिंग प्राइस दिया गया है और उसके बाद बताया गया है कि लाभ या हानि हो रही है, तो लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही मिश्रण से संबंधित प्रश्न आएंगे, मिक्सर के प्रश्न आएंगे, जैसे चीनी की 2 किस्मों को 1:1 में मिला दिया जाता है उस प्रकार से। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे कि एक ठेकेदार एक लक्ष्य बनाता है 40 दिन में काम पूरा करने का। इसके अलावा मजदूरी का जो सवाल है वो भी उसी संबंधित है टाइम एंड वर्क से, वो भी आएंगे। साथ ही औसत से संबंधित प्रश्न आएंगे और सिक्कों से संबंधित प्रश्न आएंगे कि 1 बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न आएंगे, जिसमें दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 6 घंटे में वो कुछ दूरी तय करता है, उसे वही दूरी 4 घंटे में तय करनी है, इस प्रकार के। साथ ही छूट से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो सामान्य प्रश्न आएंगे, जैसे 6 की पावर 256 - 4 की पावर 256 का यूनिट अंक क्या है। इसके अलावा राम क्या है, श्याम क्या है, 100 रुपये अधिक है, तो राम क्या है कितनी है। मतलब कुल मिला के ये है कि मैथ के बेसिक क्वेश्चन और थोड़े से एडवांस लेवल के आएंगे, लेकिन चूंकि ये जो है क्वेश्चन पेपर इसका लेवल 10th पास का है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। साथ ही इसमें ये भी है कि कॉलेज के 1/5 लड़कियाँ और 1/8 लड़कों ने समावेश में भाग लिया, कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और प्रतिशत वृद्धि के आएंगे, क्षेत्रफल के जो सवाल होते हैं वो आएंगे। साथ ही पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न भी आपके आएंगे, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे सवाल कुछ, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के भी प्रश्न आएंगे, जैसे कि ये जो दिया गया है कि 20% मूल ह्रास होता है और कुल मूल्य 90,000 रुपये, तो ह्रास मूल्य कितना होगा। इसके अलावा साधारण ब्याज के प्रश्न आएंगे और परसेंटेज जो डिस्काउंट होता है उसके प्रश्न आएंगे। साथ ही क्षेत्रफल के प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, क्षेत्रफल के प्रश्न इसमें आएंगे और टाइम एंड डिस्टेंस के भी प्रश्न
आएंगे, तो गति संबंधी प्रश्न आएंगे और बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उसके भी आएंगे। बिजली की ओर 25% की वृद्धि हुई, यदि कोई व्यक्ति उतने ही खर्च रखना चाहता है तो उसे कितना प्रतिशत कमी करनी होगी, ये वो सवाल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं होते हैं, उनका लेवल जो होता है वो बेसिक ही रहता है। छूट के प्रश्न और ए से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे, साथ ही जो ज्यामिति है ज्योमेट्री है उसके भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल 50। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश आएगी 25 अंकों की और ये होगा आपका पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इंग्लिश ही आएगी, इंग्लिश जो है वो पहले 50 अंकों की आती थी, अब आएगी 25 अंकों की। इसमें नो एरर वाला ऑप्शन आपको पहचानना है या फिर जिस पार्ट में एरर है वो आपके पहचानने हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो प्रश्न है इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है, तो वो भी प्रश्न आएंगे। और ये पहले 10-10 क्वेश्चन आते थे, अब आएंगे ये 5-5। कितने आएंगे? 5-5। तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपको, एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इसमें। इसके अलावा अपोजिट वर्ड वाले क्वेश्चन भी आएंगे, यानी एंटोनिम्स आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों टाइप के क्वेश्चन के जो वर्ड होते हैं वो आएंगे। साथ ही आपको इम्प्रूवमेंट वाले भी पूछे जाएंगे, हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल, इसमें वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट वाले सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, ये पेपर भी आगे हम आपको हल कराने वाले हैं। साथ ही इसमें वर्न वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल भी आएंगे, जैसे स्टेशनरी है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं राइटिंग एसेसरी, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। जो है ये सिनोनिम्स हैं, एक तरीके से सिनोनिम्स ही हैं ये। इसके अलावा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी आ सकते हैं, 4 वर्ड आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको छांटना है कि कौन सा सही से स्पेल्ड किया गया है, सही स्पेलिंग कौन सी है वो आपसे आ सकते हैं। या फिर रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड भी आ सकते हैं कि 4 वर्ड आपको अलग अलग दे दिया, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। इसके अलावा आपको idiom and phrases भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन सब के अलावा आपको एक पैसे दिया जा सकता है जिससे आप प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आप उनको हल करेंगे। तो एक पैसेज भी दिया जा सकता है और ये सब आएगा आपका पार्ट फर्स्ट में, जो 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। ये 50 क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन होंगे 25। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट पार्ट की, और सबसे लास्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें साइंस के प्रश्न आएंगे, ये पहला ही दिया हुआ है, पृथ्वी वायुमंडल में किसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ कमी आती है, तो इसके प्रश्न आएंगे। ज्योग्राफी के आएंगे, ये दिया हुआ भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आएंगे, ये तो हालांकि ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का मिक्स क्वेश्चन है, कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न आएंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सोवरेन है। साथ ही इसमें एनवायरनमेंट से प्रश्न आएंगे, साइंस से तो हम बता चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, और इसके अलावा जनरल नॉलेज भी आएगी, जैसे इसमें दिया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन जो दोनों दिए गए हैं ये हैं साइंस के, ये मैथ का है और ये है बायोलॉजी का। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आएंगे और इकोनॉमी से भी आएंगे, तो जैसे दिया हुआ है कि भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। इसके अलावा गरीबी का मापन, ये जो सवाल हैं ये डे टू डे वाली जनरल नॉलेज से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है और किस राज्य ने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है। कॉमर्स के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार देने के लिए प्राथमिक क्षेत्र किसका परिचायक है, ऐसे प्रश्न इसमें आएंगे, और इनका लेवल जो होगा वो 10th लेवल का होगा, तो 10th लेवल की साइंस आपको आनी चाहिए। ये जो है ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है कि मिनी वाटर डिजीज किसके कारण होती है, तो ऐसे सवाल भी आएंगे और कंप्यूटर से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल GK से भी प्रश्न आ सकते हैं, सन्यात सेन कौन थे, बायोम क्या है, ये हमारा बायोलॉजी का फिर से आ गया, और किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है, ये हिस्ट्री से भी प्रश्न आएंगे, ये दिया गया है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, तो ये सवाल आएंगे आपके। मेन फोकस इसमें साइंस पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर रहता है, साथ ही इकोनॉमिक्स के सवाल भी आते हैं और करंट GK के भी आते हैं। हालांकि इस पेपर में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरह से दिए गए हैं, इसके अलावा पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं और करंट GK के सवाल भी दिए हुए हैं कि 2016 में रियो पैरा ओलंपिक खेलों में कहां से पदक किसने जीता था, तो वो जीता वरुण भाटी जी ने, और वो किस खेल से संबंधित थे, ये सवाल भी इसमें आएंगे। तो हिस्ट्री के भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं काफ़ी सारे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव कौन चुना गया है, ऐसे प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। कुल मिला के यह है कि मिक्सअप रहता है और साइंस थोड़ी सी डोमिनेंट रहती है, साइंस के थोड़े ज़्यादा प्रभाव रहता है इन पर। बाकी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, साथ ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के टोटल ऐसे प्रश्न आते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपकी जो GK है वो रिवीजन होती रहे। इसके अलावा क्योंकि SSC में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप पिछले पेपर भी अवश्य देखना, और साथ ही हम ही आपको हल करवाएंगे। रक्त में कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता, ये भी सवाल आएंगे, और फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे।
तो ये क्वेश्चन है आपके जो आएंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। कुल मिला के देखा जाए तो ये पेपर 10th लेवल का है, लेकिन ये एक्चुअल 10th लेवल का है, यानी एक 10th पास कैंडिडेट का जो सिलेबस होता है, 10th का जो सिलेबस है वो पूरा कवर होना चाहिए आपका, खास तौर पर साइंस। आपको ये हल करने हैं तो इसमें साइंस का और ज्योग्राफी हिस्ट्री का बहुत रोल रहता है, साथ ही करंट जीके भी एक अच्छी भूमिका निभाती है। तो आप 10th लेवल की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीटली पढ़ लीजिए, 10th लेवल तक आपका अच्छा होना चाहिए, खासतौर पर साइंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ भी आपका 10th लेवल तक क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए और रीजनिंग भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि इसमें जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये था आज का हमारा एमटीएस का जो पेपर है एसएससी का 2019 का, उसका एनालिसिस कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।